नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ज़िंदगी में अगर कभी हारना नहीं चाहते हो तो ज़िंदगी के यह 10 कड़वे सच को अभी ही अपने जीवनकाल में उतार लो। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि यह बात आपके जीवनकाल में इतना प्रबल साबित होंगी, इतना असरदार साबित होंगी कि दोस्तों आप हारी हुई बाजी भी जीत जाएंगे। दोस्तों यूँ कहें तो ज़िंदगी के ये कड़वे सच मुर्दों में भी जान डाल देगा। जी दोस्तों, कहने का तात्पर्य यही है कि जिनमें आपकी कोई कल्पना भी नहीं थी उनमें भी आपकी जीत का शोर सुनाई देगा। जी दोस्तों, तो दोस्तों आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इन्हें बिल्कुल ही मिस ना करें और दोस्तों इन्हें शुरू से लेकर अंत तक बिल्कुल ही ध्यान से सुनिएगा। जी दोस्तों, उनसे पहले दोस्तों जो भी भगवान शनिदेव के सच्चे भक्त हैं, दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों, भगवान शनिदेव का अशुभ आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा और जीवन काल के सारे कष्ट आपके खत्म होंगे। जी दोस्तों, और दोस्तों अगर आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें ताकि और ऐसी अधिक महत्वपूर्ण जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो आए दोस्तों, बिना समय गंवाए बात करते हैं। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि व्यक्ति के जीवनकाल में हमेशा एक तरह की परिस्थिति नहीं रहता है। कभी जीवनकाल में ऊंचाई रहती है तो कभी जीवनकाल में गिरावट भी जरूर आती है। जी दोस्तों, लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि इन सभी के बावजूद जो व्यक्ति के जीवनकाल में यह बात रहता है, यह गुण रहता है, तो दोस्तों उन्हें कभी भी तूफान से डरने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह हर मुश्किल परिस्थितियों में डट कर खड़े रहते हैं और हारी हुई बाजी को भी जीत लेते हैं। जी दोस्तों, तो दोस्तों आप इन बातों को अपने जीवनकाल में बिल्कुल ही ध्यान से उतारिएगा। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आपका जो जीवन है, आपका जो नेचर है, आपका जो स्वभाव है, दोस्तों आप विश्वास से बहुत ही कुशल और सक्षम इंसान होते हैं। दोस्तों, आप हमेशा खुद को आगे बढ़ाने के कार्य में लगे रहते हैं। दोस्तों, आप कभी भी अपने जीवनकाल में ऐसी परिस्थिति नहीं देखना चाहते हैं जहाँ पर आपको दुख हो, जहाँ पर आपको असफलता की प्राप्ति हो। जी दोस्तों, या तो हर व्यक्ति नहीं चाहता है, लेकिन दोस्तों आपके जीवनकाल में एक अलग ही लेवल का संघर्ष चलता है जो कि दोस्तों आपको अंदर से भी तोड़ देता है। इसलिए दोस्तों आपको अपने जीवनकाल में यह बात को बिल्कुल ही ध्यान में रखना होगा। जी दोस्तों वह कौन सी 10 बड़ी महत्वपूर्ण गुण है, 10 बड़ी महत्वपूर्ण कड़वी सच है जो कि आपको अपने जीवनकाल में याद रखने हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला चीज है स्वास्थ्य। दोस्तों, अगर आप पूरी तरह स्वस्थ नहीं हैं तो आप कभी भी खुश नहीं रह सकते। बीमारी छोटी हो या फिर बड़ी, ये आपकी खुशियां छीन ही लेती है। दोस्तों, दूसरा है ठीक ठाक बैंक बैलेंस। दोस्तों, ये जीवन की कड़वी बात है। दोस्तों, असली जिंदगी जीने के लिए बहुत अमीर होना जरूरी नहीं, पर इतना पैसा बैंक में हो कि आप जब भी चाहे बाहर जाकर खाना खाएं, सिनेमा देखें, समुद्र और पहाड़ घूमने पर जाएं, तो आप खुश रह सकते हैं। दोस्तों, उधारी में जीना भी आदमी को खुद की निगाहों में गिरा देता है। जी दोस्तों, तीसरा जो बात है अपना मकान। दोस्तों, मकान चाहे छोटा हो या फिर बड़ा हो, वो आपका अपना होना चाहिए। अगर उनमें एक छोटा सा सुंदर सा बगीचा हो तो आपकी ज़िंदगी खुशहाल बन जाती है। अगला, समझदार जीवन साथी। जिनकी ज़िंदगी में समझदार जीवन साथी होते हैं, जो एक दूसरे को ठीक ठाक से समझते हैं, उनकी ज़िंदगी बेहद खुशहाल होती है। वरना जिंदगी में सब कुछ धरा का धरा रह जाता है, सारी खुशियाँ काफूर हो जाती है। हर वक्त नफरत करने से बेहतर अपना अलग अलग रास्ता चुन लेना। अगला है दूसरों की उपलब्धियों से मायूस न होना। जी दोस्तों, कोई आपसे आगे निकल जाए, किसी के पास आपसे ज़्यादा पैसा हो जाए तो उसे जले नहीं, दूसरों से खुद की तुलना करने से आपकी खुशियाँ खत्म होने लगती है। इसलिए जीवनकाल में जो भी है, जितना भी भगवान ने आपको दिया है, उनमें खुश रहना सीखिए। दोस्तों, आपको जीवनकाल की सबसे बड़ी खुशी प्राप्त होगी। इसके उपरांत है गप शप से बचना। लोगों को गपशप के जरिए अपने ऊपर हावी मत होने देना। जब तक आप उनसे छुटकारा पाएंगे, आप तब तक बहुत थक चुके होंगे। दूसरों की चुगली निंदा से आपके दिमाग में कहीं ना कहीं जहर भर चुका होगा। इसलिए अपने जीवनकाल में
इनसे आपको बचना चाहिए। दोस्तों अगला है अच्छी आदत। दोस्तों आप अपने अंदर ढूंढें कि आपके अंदर की कौन सी सबसे अच्छी आदत है जिसे करने में आपको बहुत अच्छा लगता है और हमेशा उन्हीं पर आपको फोकस करना है। दोस्तों आपको बता दें कि फालतू के समय बर्बाद करना जीवन का सबसे बड़ा अपराध है। यह जीवन आपको जो मिला है समय को बर्बाद करने के लिए नहीं, कुछ न कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे आपको खुशी मिले और उन्हें अपने डेली लाइफ में आप शामिल करके उन्हें करते रहें। दोस्तों अगला है ध्यान। रोज सुबह कम से कम 10 मिनट ध्यान करना चाहिए। ये 10 मिनट आपको अपने ऊपर खर्च करने चाहिए। इसी तरह शाम को भी कुछ वक्त अपने साथ गुजारें। इस तरह आप खुद को जान पाएंगे। अगला है क्रोध से बचना। दोस्तों कभी अपना गुस्सा जाहिर ना करें। जब कभी आपको लगे कि आपका दोस्त आपके साथ तल्ख हो रहा है या फिर आपसे दूर जा रहा है तो आप उस वक्त उससे दूर हो जाएं, बजाय इसके लिए कि आप उसका हिसाब किताब करने पर तुल जाएं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अगर आप पीछे वाले समय को याद करते रहेंगे, पीछे वाले अपने जीवनकाल के दुखों को याद करते रहेंगे तो दोस्तों आपके जीवनकाल में आने वाले अवसरों को आप नहीं रख पाएंगे। जी दोस्तों, क्योंकि उन अवसर में कहीं ना कहीं आपकी चिंता, आपके दुख उनमें असफलता दिला देगी। जी दोस्तों, इसीलिए जो लोग आपको ठुकरा देते हैं उनके बारे में चिंता बिल्कुल ना करें और आने वाले जीवन के जो भी अवसर हैं उनका लाभ उठाएं। दोस्तों जीवन का यही रीत है, जीवन का यही नीत है, मन के हारे हार है तो मन के जीते जीत है। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आपको खुद को समय के अनुसार बदलना चाहिए। जी दोस्तों, समय के अनुसार आपको काम करना चाहिए। जो व्यक्ति बदलते समय के साथ नहीं बदलते हैं उन्हें समय पीछे छोड़कर आगे निकल जाते हैं। जी दोस्तों, काम छोटा हो या फिर बड़ा हो इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, न ही इस पर शर्म करना चाहिए। हो सकता है कोई छोटा काम ही आपको बड़ा बना दे। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि दोस्तों आपको बता दें कि धन की बचत करना भी जरूरी है, किंतु स्वास्थ्य को खोकर धन की बचत करना और नुकसान करता है। हमारा बचत सारा धन बीमारियों के इलाज में खर्च हो जाता है, चूंकि स्वास्थ्य ही धन है। यह बात भी आपको अपने ध्यान में रखना चाहिए। तो ये बात हमने आपको शुरू में ही बताया है। दोस्तों अगला है अंतिम समय। जब यमराज दस्तक दे तो बिना किसी दुख, शोक या फिर अफसोस के साथ उनके साथ निकल पड़ना चाहिए। यात्रा पर खुशी खुशी शोक मोह के बंधन से मुक्त होकर जो यहाँ से निकलता है उनका जीवन सफल होता है। तो दोस्तों ये थी जीवन के 10 कड़वे सूत्र, 10 कड़वी बात। दोस्तों यह बात आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम आपके कमेंट पढ़ते हैं। साथ दोस्तों और इससे अधिक जानकारी के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।